गाइस वेलकम टू आवर चैनल। ये कश्मीर ब्लॉग सीरीज का चौथा एपिसोड है जो गुलमर्ग के बारे में है। और गुलमर्ग कश्मीर की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। आप बस वीडियो देखते रहना, आपको पता चल जाएगा क्यों। हाय गाइस, आज हम पहलगाम में हैं और आज हम गुलमर्ग जाने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू लीव फ्रॉम दिस प्लेस इन अबाउट 15 मिनट्स एंड आई वांट टू शो यू द व्यू फ्रॉम द बालकनी। इट्स स्नोड द एंटायर नाइट। गुलमर्ग की जो ड्राइव है वो इतनी सीनिक और ब्यूटीफुल है कि मैं शब्दों में बता नहीं सकती। Thank you.
थोड़ा फॉर्म है। ये सिलेज गाड़ी है, ये जो खींच रहा है ना, ये सिलेज गाड़ी आपको घूमना है पूरा। आपको इधर गुलमर्ग का मुझे क्या है, मुझे आपको उधर छोड़ना है तो हम चला आएगा। ये सिकिंग रहता है यश मना बकर सारी चीज और है मना देखा ना। मैंने बोला इसका दो नाइट स्टे है तो फिर इसने बोला जाओ। वी हैव रीच्ड गुलमर्ग नाउ एंड विल बी चेकिंग इन इन आवर होटल। ये सिलेज देखो, सिलेज पे ये टूरिस्ट लोग है देखो, ये बच्चे ऐसे आपको भी ये घुमाएगा। मेरा नंबर आपने सेव रखा ना? हाँ है इसमें सेव रखा। हाँ मेरे पास है, किसी से भी फोन कर सकते हो फिर मेरे नंबर। गुड मैं आपको सपोर्ट कर इतिश का दान जाम ये पता है सर को गाड़ी नहीं चढ़ता है ऊपर। हम आपको बैग शेक सब ऊपर। सो गाइज यू कैन सी देयर इज सो मच फॉग एंड इन दिस क्लाइमेट वी हैव टू वॉक फॉर 2 मिनट्स टू आवर होटल बिकॉज द व्हीकल कांट क्लाइंब अपसाइड। देयर इज सो मच स्नो, वी ऑलमोस्ट कैन नॉट सी एनीथिंग अराउंड अस। इट्स ब्यूटिफुल। Hi guys, so we have entered our room and it's a nice cozy and small room. I'll give you a short room tour. So here is the bed. It's a heating bed. There is heaters are attached to this bed and it keeps you warm while sleeping. Are man. And the window, there is a pretty nice view from the window. If you are lucky, you can see that gondola ride going up. We are lucky. हम गुलमर्ग में खलील पैलेस नाम के होटल में ठहरे थे और हमारे रूम के बालकनी में से जो व्यू था वो इतना खूबसूरत था और गंडोला राइड्स भी दिख रही थी। सो द बेस्ट पार्ट वॉज द गंडोला राइड और द केपल कार राइड स्टेशन वॉज वेरी क्लोजर टू आवर होटल। जी जितना
होटल का रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा था, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम यही लंच करेंगे। वी ऑर्डर सम चिकन कांती एंड रोटी फॉर लंच। दोपहर के 3 बज रहे थे और सुबह से हमने कुछ ज़्यादा खाया नहीं था, इसलिए हम बहुत भूखे थे। और शायद मुझे कुछ ज़्यादा ही भूख लगी थी। और चिकन कांती बहुत ही अच्छा बना था। सो मच हंग्री मैन। Hey guys, we just had our lunch. And now we are going to enjoy and have some time in snow. तो ये है होटल खलील पैलेस जहाँ पे हम लोग रुके थे, एंड दिस इज वन ऑफ द रिनाउंड एंड पॉपुलर होटल्स इन गुलमर्ग। होटल का लोकेशन भी काफ़ी सीनिक है क्योंकि इट्स सराउंडेड बाई ब्यूटिफुल मेडोज एंड पाइन ट्रीज एंड देर इज लॉट ऑफ स्नो इन द विंटर सीजन। हमारे ड्राइवर ने बताया था कि गुलमर्ग का क्लाइमेट बहुत अनप्रडिक्टेबल है और उनकी बात एकदम सही निकली। हाय गाइस, सो अभी हम लोग होटल के बाहर आ गए और थोड़ा टाइम स्पेंड करना है इधर। 2 मिनट पहले धूप निकल आई थी एंड द स्काई वॉज कम्प्लीटली ब्लू एंड नाउ यू कैन सी इट्स फॉगी अगेन। अभी पूरा फॉग है इधर, बट जैसा भी है क्लाइमेट एकदम बेस्ट है। यहाँ पे भी आप हमारे यहाँ पे जैसे कुत्ते रहते वैसे ही कुत्ते हैं, सब एक दूसरे के ऊपर भौंक रहे हैं। हर बिल्डिंग के छत के ऊपर आइसिकल्स हैं, इधर भी दिख रहे हैं। ये एक्चुअली लोकल घर दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे कोई रहता नहीं शायद, या रहता भी होगा तो यहाँ पे इस मौसम में शायद नहीं आता रहेगा। फॉग बढ़ गया है एंड इट्स ऑल्सो स्नोइंग स्लाइटली, सो मे बी वी विल रिटर्न टू द होटल राइट नाउ। सो गाइज, दैट वॉज ऑल अबाउट आर डे 1 इन गुलमर्ग। If you loved this video, then do like, share and subscribe if you haven't already, and also hit the bell notification. अगला ब्लॉग जरूर देखना जो गुलमर्ग के गंडोला राइड के बारे में है। So goodbye everyone and we'll see you in the next vlog.